नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है आठम। आठम के दिन माता जी के भोग के लिए मैंने किस तरह फराली डिश तैयार की वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद हमारे मंदिर जो 73 साल पुराना है उसमें आठम का हवन होने वाला है, उसके दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ आठम का भोग। आलू को ग्रेट कर लिया, उसके बाद इसमें सारे मसाले कर दिए, कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक और राजगिरह का आटा मिक्स करके सारे लच्छे पकौड़े तैयार कर लिए। तो देखा ना आपने कि कितना आसानी लच्छे पकोड़े बनाना। तो बनकर रेडी हो गए हमारे लच्छे पकोड़े। अब हम बनाएंगे कटलेस। उसके लिए मैंने ली क्रश की हुई ग्रीन चिली, अदरक, सौंफ, चीनी, सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा, क्रश की हुई मूंगफली, नींबू का रस और 2 से 3 चम्मच राजगिरह का आटा। सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैंने राउंड शेप में कटलेस बनाकर राजगिरह के आटे से उसे कोट कर लिया। बाद में उसे मीडियम आंच पे फ्राई कर लिए। तो दोस्तों बनकर रेडी हो चुकी है कटलेस। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अब बनाएंगे साबूदाना की खीर। साबूदाना की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दूध को अच्छी तरह से उबाल लिया और इसमें चीनी डाल दी। जब हमारा दूध अच्छी तरह से उबल गया तब मैंने रात भर भिगो कर रखे हुए साबूदाना इसमें डाल दिए। साबूदाना अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो गया तब मैंने उसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। दोस्तों बन गई हमारी साबूदाना की खीर। दोस्तों मोती बड़ा बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू को मैश कर लिया
और उसमें कुछ मसाले किए, जैसे कि रात भर भिगो कर रखे हुए साबूदाना, चिली, सेंधा नमक, चीनी और नींबू का रस। मोती वड़ा को हम मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ऐसे मोती वड़े बनकर रेडी हो गए। दोस्तों आइए अब हम बनाते हैं फराली आलू परोठा। आलू परोठे का स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए, उसमें ग्रीन चिली, जीरा और सेंधा नमक डाल के मैंने स्टफिंग रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने फराली आटा लिया, उसमें ऑयल और नमक डालकर आटा गूंद लिया। दोस्तों ये सब डिशेस मैंने जो रेडी की उन सब में तीन चार सामग्री एक जैसे ही थी और सारे मसाले में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था और मैंने इतनी अच्छी डिशेस तैयार कर ली। तो आप भी थोड़े सामग्री से बहुत सारी डिशेस तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों बन गए हमारे क्रिस्पी आलू परोठे। तो दोस्तों आठम के लिए मैंने जो भोग के लिए प्रसाद बनाया था वो रेडी हो चुका है। अब मैं आरती करने के बाद माता जी को भोग लगा लूंगी। दोस्तों मैं और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं हमारे मंदिर। हमारा ये मंदिर अंबे माँ का मंदिर है और ये मंदिर 73 साल पुराना है।
मेरे दादा ससुर पूजा करते थे, उनके बाद मेरे ससुर पूजा करते थे और अब मेरे बहन चेटची पूजा करती है। हर साल 8 पे यहाँ हवन होता है। हम जब यहाँ आए तो हवन की सारी विधि हो चुकी थी। हम थोड़ा लेट पहुँचे। हम जब पहुँचे तो आरती शुरू होने वाली थी। तो आप ही हमारे मंदिर में जो अम्बे माँ है उनके दर्शन कीजिए। सारी रे सुख शांति थाय सभी सारी रे। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।